बहू, ये गेहूं है, जाकर चक्की से आटा पिसवा लाओ। पर माँ, मार्केट में तो ऑलरेडी पिसा हुआ मिलता है ना, ये अलग से पिसवाने की क्या जरूरत है? पर मुझे चक्की का पिसा हुआ फ्रेश आटा ही चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं नितिन को बोल दूंगी, वो कल ऑफिस जाएंगे ना तो साथ ले जाएंगे। वो क्यों जाएगा? जब मैं तुझसे कह रही हूँ तो वो क्यों जाएगा? तू जा। पर माँ, मैं इतनी दूर अकेले कैसे जाऊँगी, मुझे ड्राइविंग भी नहीं आती और ऑटो अभी कैसे मिलेगा? अरे जैसे मैं जाती थी पैदल। पर माँ, मैं अकेले कैसे जाऊँगी, बहुत गर्मी है बाहर। हमारे जमाने में 5-5 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था आटा पिसवाने के लिए, और तू ये 1 किलोमीटर नहीं जा सकती? चल उठ, अब जा आटा पिसवा के लेके आ। पर माँ, माँ। माँ, हम लोग डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं, आप भी चलो। कोई कहीं नहीं जा रहा है। क्यों, क्या हुआ? ना बाहर कहीं जाना है और ना बाहर से कुछ ऑर्डर करना है, जो घर में बना है चुपचाप वही खा लो। और तुझे क्या हो गया है, कोई काम नहीं है तेरे पास क्या? जब देखो तब हाथ पकड़ा और बाहर निकल पड़े। माँ, मैंने इनको बोला था बाहर चलने के लिए, मेरा मन अजीब सा हो रहा था इसलिए। काम ना करने के 100 बहाने हैं। अरे हमें अपने समय में महीनों हो जाते थे बाहर गए हुए, और ये आजकल की लड़कियां, रोज रोज बाहर जाना है, मन नहीं लग रहा है। कहीं नहीं जाना है, जाओ अंदर। तुम्हें क्या कर रही हो? मैं ये ताने और नहीं सुन सकती, मैं जा रही हूँ अपने घर। पर माँ ने जो कुछ भी कहा और जो कुछ भी कर रही हूँ, सिर्फ तुम्हारे अच्छे के लिए। अच्छे के लिए? कल उन्होंने मुझे पैदल चक्की पे भेज दिया आटा पिसवाने के लिए, और आजकल कौन यूज करता है चक्की का आटा? हाँ, और मैं अब अपने मन का कुछ खा भी नहीं सकती। वो सब सिर्फ इसलिए क्योंकि लास्ट वीक तुम्हारे टेस्ट रिपोर्ट्स आए थे, भूल गई? क्या बात है बेटा, इतना परेशान क्यों हो? माँ, वो नैना की ब्लड रिपोर्ट्स आई हैं और उसका शुगर लेवल बढ़ता ही जा रहा है। मैंने उसे बहुत बार बोला है कि अपनी सेहत का ध्यान दे, एक्सरसाइज करे और बाहर का खाना बंद करे, बट वो सुनती नहीं है, और मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि उसे कैसे समझाऊं। तुम परेशान मत हो, अब ये जिम्मेदारी मेरी है। आखिर सास हूं, मेरा कहना तो वो मानेगी, चाहे मन मार के माने, फिर उसकी सेहत का भी तो सवाल है। पर माँ, ऐसे तो आप उसकी नजरों में बुरे बन जाओगे ना। क्या फर्क पड़ता है, बन गई तो बन गई, इससे उसकी सेहत तो ठीक हो जाएगी। तो चाय पी। अब समझ आया कि माँ ने तुम्हें चक्की पर क्यों भेजा, क्योंकि अगर वो तुमसे कुछ और मंगवाती तो तुम ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती। उन्होंने ये तरीका इसलिए निकाला ताकि तुम्हारी इसी बहाने को एक्सरसाइज हो जाए, और बाहर जाने के लिए भी इसलिए मना कर रही है ताकि तुम घर का अच्छा खाना खाओ। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously, and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.